हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपको अभी सॉलिड वर्क से स्टार्ट कर रहा हूँ, सॉलिड वर्क का ट्यूटोरियल इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ सॉलिड वर्क का, आप क्या क्या कर सकते हो इसलिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता दूँगा आपका सॉलिड वर्क, जहाँ भी सॉलिड का यूज होता है, कोई भी पार्ट मॉडलिंग होती है, जो भी बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी है उनमें जो भी पार्ट मॉडलिंग होती है, वहाँ सॉलिड वर्क्स यूज होता है मॉडलिंग। ठीक है, आप देख सकते हो इस ड्राइंग में यहाँ एक ये EST थ्रस्टर ब्रेक है। ठीक है, एक तरह से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सॉलिड वर्क्स पे ही बना है, इसलिए आप देख सकते हो। ठीक है, एक एक पार्ट्स के अभी एक ओवरव्यू मैं दिखा रहा हूँ ऐसे जल्दी जल्दी मैं आपको बना के। दूसरा भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मोटर है। ठीक है, ये 3 फेज की मोटर है, ये भी आपका पूरा सॉलिड वर्क्स पे बना है। ये देखिए, पहले इसके एक एक पार्ट्स बने हैं। ठीक है, पार्ट बनने के बाद ये असेंबल हुई है, आप इजली देख सकते हैं, एक एक चीज़ देख सकते हैं, नट बोल्ट से लेके क्लैंक प्लेट तक। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो बेस फ्रेम, शाफ्ट, की। ठीक है, पहले इसके वन बाय वन पार्ट्स बने हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, अगर देख पाए तो, क्लियर नहीं है। ठीक है, वन बाय वन इसके पार्ट्स बने, उसके बाद असेंबल हुआ है। ठीक है, तो आप जैसे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोकैड यूज करते हैं, ऑटोकैड यूज करते हैं, क्या होता है कभी कभी उसमें एरर आ जाती है, कोई भी डायमेंशन है फॉल करने लगती है। ठीक है, रीजन क्या होता है, वो इमेजिनेशन पे होता है, लेकिन जब हम सॉलिड वर्क्स में बनाते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, अगर कहीं फॉल करता है तो ये रेड सेव कर देगा, हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि मेरे कहीं फॉल तो नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए इसलिए सबसे बेहतर है जब मैं अगर पार्ट मोल्डिंग कर रहा हूँ तो। ठीक है, तो मैं आपको अभी इसका ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूँ सॉलिड वर्क्स का। ये थ्रस्टर ब्रेक है, मोटर है, इस तरह से मैं जो भी आपको बताऊँगा, अगर आप कंटिन्यू अगर सीखना चाहते हैं सॉलिड वर्क्स तो मेरे वीडियोस फॉलो करिएगा। ठीक है, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको मैं सॉलिड वर्क्स पे एक एक चीज़ बनाना सिखाऊंगा, एक एक इस कमांड बताऊंगा, स्केच से लेके असेंबली तक। ठीक है, अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।